इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि आज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करता है, जिससे कि वो अपना कुछ समय बचा सके। और इसी जल्दबाजी के चलते व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं जल्दबाजी में अधिक आटा गूंद लेती हैं और बचा हुआ आटा फ्रिज में अगले दिन के लिए रख देती हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती हैं कि बचा हुआ आटा अगले दिन उपयोग करने से उनकी या उनके परिवार की सेहत बिगाड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके क्या हैं दुष्परिणाम। विशेषज्ञों के अनुसार यदि आटा गूंद कर उसे अगले दिन के लिए फ्रिज में रख दिया जाता है तो रासायनिक क्रिया के कारण उसमें होने वाला बदलाव व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण उसे कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता हो उतना ही आटा गूंदें। अगर हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताएं तो आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को खुद शुद्ध व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, जो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जब हम आटा गूंथ कर फ्रीज में रख देते हैं तो पिंड बन जाता है, जो कि हमारे द्वारा पितरों को अर्पित किया जाता है। इस संबंध में कहा गया है कि फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रखने से हमारे घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ता है, जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और वो आपकी उन्नति में भी बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।